SECN, जिसने एक साल पहले एक सपना देखा था, कुछ संकल्प लिया था और अपने आप से कुछ वादा किया था, जो था अद्वितीय, अनूठा और अनोखा करने का। उसके लिए SECN ने एक लक्ष्य, एक प्रण के साथ एक साल का सफर पूरा किया। उस लंबे सफर के बाद सभी आयामों में बढ़ चढ़कर एक अच्छे और अद्भुत नतीजे के साथ SECN अब सामने आया है। SECN देश में असीम संभावनाओं की कंपनी बन गया है। आज SECN उत्पादन, डिस्पैच और OBR में अब तक के सर्वाधिक के शिखर पर पहुंच चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में SECN ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 167 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जो कि स्थापना से किसी भी एक वर्ष का सर्वाधिक उत्पादन है। आज से लगभग एक साल पहले हम सब ने मिलकर के एक सपना देखा था, कुछ संकल्प लिए थे, कुछ प्रण किए थे, हमने अपने आप से कुछ वादे किए थे और उन वादों में था कि हम कुछ अलौकिक करेंगे, कुछ अद्वितीय करेंगे, कुछ अद्भुत करेंगे, कुछ अनूठा करेंगे, कुछ अनोखा करेंगे और उसके लिए एक लक्ष्य के साथ, एक ध्येय के साथ, एक प्रण के साथ, एक गति के साथ और एक मति के साथ हम लोगों ने एक साल का एक लंबा सफर पूरा किया और उस एक साल के लंबे सफर के बाद आज हम सभी आयामों में बढ़ चढ़ करके एक अच्छे, एक अद्वितीय, एक अद्भुत नतीजे के साथ सामने आए हैं। इसके साथ ही SECN ने वार्षिक आधार पर 24.5 मिलियन टन के ग्रोथ के साथ एक साल में सबसे अधिक सफलता का रिकॉर्ड भी दर्ज किया। बीते वित्तीय वर्ष में SECN ने 160.05 मिलियन टन कोयला उपभोक्ताओं को प्रेषित किया, जिसमें सर्वाधिक 139.6 मिलियन टन कोयला देश के विद्युत संयंत्रों को भेजा गया। यह किसी एक वर्ष में कंपनी की ओर से पावर सेक्टर को दिया गया सबसे अधिक डिस्पैच है। इसी तरह ओवर बर्डन रिमूवल यानी OBR में भी कंपनी ने ऐतिहासिक परिणाम दिए और 35% से अधिक की बढ़ोतरी के साथ 264.10 मिलियन क्यूबिक मीटर OBR निकाला। OBR कोयला निष्कासन से पूर्व की प्रक्रिया है। इससे आने वाले समय में SECN को बड़ा उत्पादन लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। जहां उत्पादन में 24 मिलियन टन से ज़्यादा के वृद्धि के साथ में, लगभग 17% के वृद्धि के साथ में हमने अपना ग्रोथ हासिल किया है, वहीं पर ओवरबर्डन रिमूवल में हम लोगों ने 35% से ज़्यादा का ग्रोथ हासिल किया है, जो कि ऐतिहासिक है। पावर सेक्टर जो सबसे आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए ऊर्जा की जो सुरक्षा उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हमने 10% के वृद्धि के साथ में पावर सेक्टर को भी कोयले का सप्लाई किया है। SECN के रिकॉर्ड उत्पादन में रायगढ़ सहित कोरबा कोलफील्ड्स का बड़ा योगदान रहा, जहां 148.43 मिलियन टन रिकॉर्ड कोयले का यहां से उत्पादन किया गया, जो पिछले साल से 19% अधिक है। सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स के खदानों से 5% की वार्षिक वृद्धि के साथ यहां कुल उत्पादन 18.57 मिलियन टन रहा। समग्र रूप से SECN के कुल 8 संचालन क्षेत्रों ने पिछले साल से अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है, जिसमें SECN ने कोल इंडिया में भूमिगत खदानों के जरिए सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया। कंपनी का UG प्रोडक्शन 11.64 मिलियन टन रहा। इसमें कई सालों के बाद सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। UG विजन के तहत कंपनी ने कॉन्टिन्यूस माइनर जैसे आधुनिक तकनीक के भूमिगत खदानों में नियोजन को प्रोत्साहित किया, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। SECN के सोहागपुर क्षेत्र के खैरा भूमिगत खदान ने इसी तकनीक के जरिए 8.77 लाख टन कोयले का उत्पादन किया और कॉन्टिन्यूस माइनर तकनीक के जरिए देश भर में सर्वाधिक कोयला उत्पादित करने वाली खदान बन गई है। SECN की उस उपलब्धि के साथ ही अलग अलग और भी कई रिकॉर्ड बने, जिसमें गेवरा परियोजना देश में 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन और डिस्पैच करने वाली देश की एकमात्र खदान रही। गेवरा का कुल उत्पादन 52.5 मिलियन टन रहा। इसी तरह कुसमुंडा मेगा परियोजना ने पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड 49% की बढ़ोतरी दर्ज की और 43 मिलियन टन से अधिक कोयला का उत्पादन किया। कंपनी की तीसरी मेगा परियोजना दीपका का वार्षिक उत्पादन 32.15 मिलियन टन रहा। हम विशेष रूप से टीम गेवरा,
टीम कुसमुंदा और टीम दीपिका को विशेष रूप से बधाई देंगे, वहाँ के कोयल अंचलवासियों को, सभी अंशधारकों को बधाई देंगे जिनके अथक प्रयास से जो ACCL का कुल उत्पादन 167 मिलियन टन का हुआ है उसमें 127 मिलियन टन से ज़्यादा का उत्पादन सिर्फ इन तीन परियोजनाओं से हुआ है। जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी कंपनी का ग्रोथ के लिए, हमारे टारगेट था 4,650 करोड़, जिसके अगेंस्ट में हम लोग 4,553 करोड़ हम लोग अचीवमेंट किए हैं। और जहां तक स्टैंड अलोन की बात आती है, हमारे टारगेट था 3,400 करोड़, जिसके अगेंस्ट में हम लोग 3,700 करोड़ का हम लोग अचीवमेंट किए हैं। हम लोगों ने अंडरग्राउंड के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि इस साल दर्ज किया की है, ये बहुत ही गर्व की बात है। और हम लोगों का प्लान है कि आगे भी इस तरह से हम लोग एक नया कीर्तिमान रचेंगे। अपने सभी जितने भी हमारे कामगार भाई हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं, सबको ACCL के तरफ से बधाई। कोल प्रोडक्शन और डिस्पैच के साथ ही ACCL भविष्य की संभावनाओं के लिए सबसे जरूरी भूमि अधिग्रहण अपने सामाजिक सरोकार पर भी केंद्रित रहा। भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों में इस साल कुल 704 भू विस्थापितों को रोजगार स्वीकृत किए गए, जो बीते एक दशक में सबसे अधिक है। कंपनी ने 750 से अधिक आश्रित रोजगारों को भी मंजूरी दी। इसी तरह बीते वित्तीय वर्ष में CSR के तहत भी कई सामाजिक कार्यों के लिए करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में 27 करोड़ और शिक्षा के क्षेत्र में 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सतत धारणी विकास के तहत खदानों से निकले जल के सदुपयोग को भी प्रोत्साहित किया गया, जिसमें वर्ष 2022-23 में ACCL ने खदान से निकला लगभग 258.07 लाख किलो लीटर जल सिंचाई और करीब 28.02 लाख किलो लीटर खान जल घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराया। इस वर्ष कंपनी ने 365 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रिकॉर्ड 8 लाख से अधिक पौधों का रोपण भी किया है। हमने सभी अंशधारकों के साथ में संवाद स्थापित करके, संवेदनशीलता स्थापित करके, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं 700 से ज़्यादा लोगों को हमने रोजगार दिया है। जो डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट थे लगभग 850 के आसपास में, हमने उसमें भी एम्प्लॉयमेंट दिया है। हमने पर्यावरण की दृष्टि में बहुत सारे काम किए हैं जिनके दूरगामी परिणाम आएंगे। परियोजना प्रभावित प्रकरणों में और आश्रित रोजगार में पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक का आंकड़ा छुए हैं। CSR के जरिए इस वर्ष भी सामाजिक विकास के हमारा प्रयास जारी रहे। आई विश टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग ग्रेटिट्यूड टू टीम ACCL फॉर देयर मोनुमेंटल अचीवमेंट्स। देश के कोल आवश्यकताओं और आपूर्ति को देखते हुए ACCL ने वर्ष 2022-23 में कई नवाचार किए, जिसमें पहली बार ACCL ने 3 खदानों को MDO मोड पर संचालित करने के लिए LOA जारी किया है। कंपनी की 6 परियोजनाओं में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पर्यावरण स्वीकृति हासिल की गई, जिससे सालाना 9 मिलियन टन से अधिक उत्पादन क्षमता का विस्तार हुआ। इसी के तहत कंपनी ने रामपुर बटुरा परियोजना की शुरुआत की। वहीं आमाडांड, अमगांव, राजनगर, ओसी जैसे बंद परियोजनाओं को पुनः शुरू किया गया। परियोजना इस साल सुहागपुर क्षेत्र में एक नया माइन शुरू हुआ जो रामपुर बटोरा के नाम है। सुहागपुर भी अपना टारगेट किया है। सिमिलरली हसदेव एरिया भी इस बार अपना जो लक्ष्य साधन किया और वहाँ एक नया माइंस राजनगर ओसी जो बंद पड़ा था उसका एक नया पैच स्टार्ट हुआ। और जोहिला एरिया सबसे एक उल्लेखनीय बात है कि रायगढ़ भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। रायगढ़ एरिया, रायगढ़ एक अपकमिंग कोल फील्ड है जहाँ कोल उत्पादन की ढेर सारी संभावनाएं हैं। ACCL के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन के पीछे CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन का बहुत बड़ा योगदान रहा। देखा जाए इस उपलब्धि के साथ ही ACCL ने उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम तक जाने का नया सफर भी शुरू कर दिया है, जिसमें कहा गया हमारे सपने भी बड़े हैं, सफर भी जारी है। हमारे सपने भी बड़े हैं, हमारा सफर भी जारी है, लेकिन ना हम मुश्किलों की फिक्र करेंगे और ना ही जीत की जिक्र करेंगे। क्यों? क्योंकि सपने बड़े हैं और सफर जारी है।